चरण दबा रहे, चरण दबा रहे हैं, पिताजी की चरण सेवा कर रहे हैं। अब लवकुश देखे होंगे, देखना लवकुश सवेरे उठकर क्या करते हैं, पहले माँ की चरण छूते हैं, माँ को बोलते माँ हमें आशीर्वाद दो जगत में जैसे हम बड़े बने हैं। इसलिए हमारे गुरु जी ने बताया बेटा अगर तू रामायण पढ़ता है ना, अगर बच्चों को रामायण पढ़ाती जरूर तेरे बच्चे तेरे को चरण छूते, हाँ चरण छूते। लेकिन बच्चे को तो तुमने स्मार्टफोन पकड़वा दिया, 20,000-10,000 रुपया की स्मार्टफोन तुमने पकड़वा दिया, जितना घर में गंदी गंदी सारी पुस्तक घर में पड़ी हुई, घर में तो रामायण है ही नहीं, घर में तो गीता है ही नहीं, घर में तो कोई पुस्तक नहीं, तेरे बच्चे को ऊपर कहाँ संस्कार पड़ेगी, बच्चे सीखेंगे कहाँ से बच्चे। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, स्वयं रामायण पढ़े और बच्चों को भी रामायण पढ़ाए। इसलिए कल मैं बता रहा था ना, इंडोनेशिया में वो मुसलमान कंट्री में हमारे भारत ऐसे संतों को बुला करके ले जाते, बोले क्यों, बोले हमें ये रामायण सुना, बोले रामायण क्यों, ये मुसलमान लोग उनको कॉलेज में रामायण पढ़ाई हो रही, बोले क्यों, बोले रामायण में प्रभु ने बहुत अच्छी शिक्षा दिया है, कैसे भाई भाई में प्रेम होनी चाहिए, बहू बहू में कैसे प्रेम होनी चाहिए, बहू हैं सास में कैसे प्रेम होनी चाहिए, हैं पिताजी के प्रति बेटा का क्या कर्तव्य है, हमारे देश की स्त्रियां को धर्म कैसे जागरण करनी चाहिए, स्त्री लोग कैसे अपना सतीत्व को रक्षा करे, कहते रामायण में ये सब चीज हमें सुनने को मिलता है। इसलिए मुसलमान के लोग भी रामायण को आदर करते हैं, ठीक है ना। इसलिए कल मैं बता रहा था ना, मुसलमान को देखो शुक्रवार का दिन इतने छोटे छोटे बच्चों को सर के ऊपर में टोपी पहना करके मेन रोड में बैठ करके अपना अपना नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हम कई बच्चे को बोलते हैं बेटा तू गीता थोड़ा पढ़ ले, बता कौन बोलता है बेटे गीता पढ़, नहीं तो एक तो माला जप कर, एक तो माला जप कर ले बेटा, कोई बोलते हो, फिर बताओ बच्चे को मेरे संस्कार कहाँ से पढ़ेंगे, वो पढ़ ही नहीं सकते हैं, पिता माता पहला तो दूसरे पिता माता, ठीक है ना। इसलिए स्वयं सवेरे उठ करके थोड़ी सी माला जप करना, थोड़ा रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, कोई भी अच्छी ग्रंथ पढ़ो, और एक नियम बनाओ, जब तक तुम्हारी बच्चे इधर देखो ध्यान देकर सुनो, जब तक तुम्हारी बच्चे को एक माला नहीं करवाते हो बोले तेरे को खाना नहीं मिलेगा, ये नियम बनाओ घर में, और खुद पहले माला बना, पहले खुद माला जप करो, क्योंकि पहला गुरु पिता माता है, बच्चे पिता माता से ही पहले सीखते हैं, अगर पिता माता नाम करेंगे भक्ति करेंगे तब तो बच्चा सीखेगा, अगर खुद नहीं करो तो बच्चा कहाँ से सीखा होता, वो सीख नहीं सकता, संस्कार पढ़ ही नहीं सकता है, हैं? इसलिए घर में क्या करो, जब बच्चे को बोलते हो क्या बोलते हो, बेटा स्कूल जा पढ़ाई करो, स्कूल जा पढ़ाई करो, जब बच्चे को पढ़ाई पढ़ाई सिखा सकते हो क्या, 5-10 मिनट बच्चे को ये नहीं बता सकते हो बेटा 5 मिनट भगवान के नाम ले लो, बता सकते हो कि नहीं। देखो ध्यान देकर सब काम खोल कर सुनो, आपकी लाइट आती में बात बताता हूँ, मैंने कहीं कथा करने के लिए गया था, सुनो ध्यान दो, एक व्यक्ति उसने अपना 2 बेटे को अमेरिका में भेजा पढ़ने के लिए, ये नोएडा की कथा है, मैं उधर कथा करता हूँ ना, उसने 2 बेटे को अमेरिका में भेजा पढ़ने के लिए, वहीं पर अमेरिका में पढ़े, बढ़िया पढ़ाई लिखाई की, बढ़िया नौकरी उन्होंने किया, शादी हो गई, लेकिन वहाँ का जो कल्चर है, बच्चे के जो 15-16 साल हो जाए ना, कोई भी पिता माता बच्चे को घर में नहीं रखते, बोले घर जाओ कमाओ खाओ बाहर, किसी बच्चे को घर में नहीं रखते हैं, और पिता माता को ओल्ड हाउस में डाल देते हैं, कोई पिता माता की सेवा नहीं करते, और साल में बर्थडे का दिन एक बार जाएंगे बस, एक बार हालो करके थैंक यू बोलकर बात खत्म, ओल्ड हाउस में डाल देते हैं। अभी दोनों बच्चे को उसने अमेरिका में भेजे, जब बच्चे ने बढ़िया पढ़ाई किया, पढ़ाई करके एक दिन दोनों बच्चे अपना आए, यूनाइटेड में आए, आ करके पिताजी पहला समय का इतने लिखे पढ़े नहीं लेकिन बहुत सारी जमीन जायदाद उनके लिए, तो बोले पिताजी आप माताजी यहाँ पर आप क्या करोगे, चलो अमेरिका चलो, हम तो अमेरिका में सेटअप हो गए, वहीं पर रहना। पिता माता बोले ठीक है बच्चा, उसने सारे संपत्ति को बेचवा दिया, करोड़ रुपया की संपत्ति थी, बोले चलो लेकर के गए एयरपोर्ट में, और एयरपोर्ट के सामने बोले आप यहीं पर खड़े रहो, हम ट्रॉली लेकर के आते हैं सामान लेने के लिए। वो गए तो गए, आधा घंटा हो गया नहीं, 1 घंटा हो गया नहीं, 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, लापता,
बोले बच्चे गई कहाँ? उन्होंने फोन लगाया इधर उधर, लगा करके देखा दोनों बच्चों ने सारे पैसा को लेकर के अमेरिका चले गए और पिता माता को रोड में बीच ही रोड में रख करके खड़े करके चले गए। लास्ट में उनको ओल्ड हाउस में भर्ती कर दिया गया। मैं उनकी कथा करने के लिए जाता हूँ, हम मिला उनको। इसलिए अगर केवल बच्चों को पढ़ के पढ़ 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 पैसा के एक मशीन बनाएंगे, बच्चे हमें यही फल देंगे, इससे ज्यादा कभी हम आशा कर ही नहीं सकते हैं। अगर बच्चों को बोले कि बच्चे एक माला जप कर, रामायण पढ़, थोड़ी भागवत पढ़ो, तभी बच्चे में तभी तो संस्कार पड़ेगा। देखो आपको और एक घटना सुनाता हूँ। वहाँ पर हमारी वृंदा देवी वहाँ पर कुछ पुस्तक बेच रही, पुस्तक है ना, देखो ये गीता भागवत की कितने महिमा है। ये इस्कॉन का नाम आप सुने होंगे, ये एक समय गीता जयंती में है, गीता जयंती में वो लोग गीता को बेचते हैं। अभी वो अमेरिका में गीता बेच रहे थे, गीता बेचते समय एक अमेरिका का व्यक्ति एरोप्लेन से उतरा, उन्होंने देखा गीता बिक रहे हैं, गीता बेच रहे हैं इस्कॉन के भक्त लोग, बोले गीता ले लो, बोले नहीं, और थोड़ी दूर गए बोले गीता ले लो, बोले नहीं। अभी देखा 10 आदमी खड़े हुए थोड़ी दूर दूर में, उसने सोचा एक गीता ही ले लेता हूँ, कितना को ना ना बोलूँ। तब उन्हें $4-5 दे करके एक गीता उसने खरीद कर ली है, लेकिन ड्रम रख लिया, बोले बेकार ग्रंथ, इससे तो पढ़कर कोई लाभ है नहीं, उसने ड्रम रख लिया। एक दिन वो इतने डिप्रेशन में आ गया, इतने डिप्रेशन में वो आ गया, सोचा मैं आत्महत्या करूंगा, और बैठा वो आत्महत्या करने के लिए। इतने में सोचा था आत्महत्या करूंगा, इतने में वो जिस ड्रा में वो बंदूक रखा हुआ था उसी ड्रा में रखा था ये भगवत गीता। इतने में जब उसने ड्रा को खोल करके जब बंदूक को पकड़ने के लिए गया, वो बंदूक नहीं आकर के आया ये भगवत गीता। देखो गीता का क्या मत करे, आया भगवत गीता आया, जो गीता उसने खोला, गीता खोला तो पहला पेज में कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, बोले हे अर्जुन, हम ये शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है, ये शरीर एक कपड़ा है, जैसे कोई कपड़ा जब पुराना हो जाए हम क्या करते हैं, उसको छोड़ करके हम एक नया कपड़े धारण करते हैं, कि उसी तरह ये जो शरीर है ये एक कपड़ा है, जब ये पुराना हो जाता है इसमें जो आत्मा ये शरीर को छोड़ करके फिर दूसरे शरीर में चली जाती है, ये जो आत्मा है न जायते न मृियते नित्य शाश्वत, ये आत्मा है, ये जलती नहीं मरती नहीं, ये नित्य है। बोले हे अर्जुन, अगर तुम जीवन में शाश्वत शांति पाना चाहते हो, जब तक जीव मेरे शरीर में नहीं आए तब तक जीव कभी शांति सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस जगत में हमें शांति क्यों नहीं मिलता है, कारण है हम जहाँ शांति सुख ढूंढने चाहिए वहां नहीं ढूंढ कर गलत जगह पर ढूंढ रहे। बोले कहाँ? बोले ये मेटेरियल दुनिया में, ये संसार में ढूंढ रहे। संसार मतलब क्या है? बोले हर समय जो हमसे अलग होते जा रहा है, हमारे पिताजी के पिताजी भी गए, उनको भी पिताजी गए, उनको भी पिताजी गए, एक दिन हमें भी जाना पड़ेगा। ये संसार नश्वर है, ये नश्वर वस्तु तुम्हें कभी शांति सुख दे ही नहीं सकता है। शांति सुख तभी तुमको मिलेगा जब तुम शाश्वत जो सच्चिदानंद जो सनातन वस्तु जब तुम मेरे को प्रेम करोगे तभी तुमको शांति मिलेगा। देखो वो व्यक्ति सुइसाइड करने जा रहा था, बंदूक कहाँ, बंदूक लेने के लिए गीता मिला, अभी उसको जैसे कि नया दिशा उसको मिल गया है, वो सुइसाइड क्या करेगा, वो रात भर ये गीता को ही पढ़ते रहा, रात भर ये गीता पढ़ते रहा, और सवेरे उसने देखा ये गीता आई कहां से, उसमें एड्रेस लिखा हुआ था, वो एड्रेस को देख करके ढूंढते ढूंढते गया इस्कॉन मंदिर में, और वहां पर भी साधु लोग थे, अभी उसने साधुओं को साथ में बात किया और उसने जो जो प्रश्न किया ना एकदम परफेक्ट उसको आंसर मिला, परफेक्ट आंसर मिला, शरीर क्या, आत्मा क्या, ये दुनिया क्या है, हम आए कहां से, जाना कहां, जिसको हम अपना कह रहे वो है कौन, अरे है तो एक एक कर गए कहां, उसने एकदम परफेक्ट आंसर उसको मिला। लास्ट में उसने सब छोड़ करके, देखो मेरे तरफ में हम जैसे सन्यासी ना, उसने इस देश धारण किया, अभी वो दुनिया में है, अभी संपूर्ण ये पृथ्वी में ये भगवत गीता को प्रचार कर रहे हैं,
संपूर्ण पृथ्वी में अमेरिका, लंदन, फ्रांस, हजार हजार उसका शिष्य है। तो दुनिया में ये भगवत गीता को प्रचार कर रही, ये गीता क्या चीज है ना। अगर ये भूल से गीता अगर कोई पढ़ लिया ना, उसका जीवन बदल जाती है, ठीक है ना। अभी बच्चे लोग ना इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, लास्ट में इतने डिप्रेशन में आते हैं, सुइसाइड करके मरते हैं। आप लोग का पेपर पढ़ते होंगे, कोई बारहवीं क्लास का बच्चा था, सोच रहा था इतना मार्क आनी चाहिए, कम मार्क आ गया तो सुइसाइड कर जाता, लिख पढ़ कर भी सबके सब सुइसाइड कर रहे। लेकिन अगर आप गीता पढ़ोगे ना, किसी अवस्था में भी आप कभी दुखी नहीं बनोगे, हर समय सुखी बनोगे, ठीक है ना। क्या करना है, क्या करना है, हमें गीता पढ़नी चाहिए। मुसलमान भाई लोग जब कुरान पढ़ सकते हैं और मेन रोड में बैठी करके, हम क्या गीता नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना भैया लोग। देखो वहां पर ग्रंथ है, हमारे वृंदा देवी वहां पर ग्रंथ रखा है, ज्यादा पैसा नहीं है, 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया, ऐसे छोटी छोटी ग्रंथ है, ये छोटी छोटी ग्रंथ ले लेना, खुद भी पढ़ना और अपना बच्चे को बोल बेटा तू भी पढ़े इसको, और बच्चों को एक एक माला करवाना, ठीक है। क्या करोगे, बच्चों को एक एक माला करवाना, बच्चे को अगर संस्कार आए। देखो पिता माता क्यों पैसा कमाते हैं बच्चे के लिए, अगर बच्चे अगर हमारा सुधर गए ना, बस समझो सब कुछ सुधर गया है। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 प्रभु जी। संजय दास जी बुला दो तुमको पीछे से, संजय किधर आ गया, पिताजी को बुला करके ले आओ, अपना पिताजी को ले आओ, पिताजी कहाँ है, इधर आ गए, मेरे भैया कहाँ है, इधर आ गया, भैया जी खड़े हो। हरे कृष्ण, हाँ देखो जल्दी 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 आ, हाँ देखो आप लोग ने, हम लोग कितना दिन तक कथा सुने, हम लोग ने 7 दिन तक कथा सुनी, और तो भी नहीं है। हाँ देखो इनके परिवार के भक्त लोग ये भागवत कथा को बहुत अच्छे तरह से एकदम दिल खोल कर दी, इन्होंने ये भागवत कथा को इन लोगों ने आयोजन किया है। अब ये भागवत कथा की इतने पुण्य है, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे कथा हो रही है। अभी आप लोग घर में बैठे हो, अगर किसकी मन में इतनी सी केवल इच्छा हो जाए, बोले भैया श्री कृष्ण प्रताप संजय प्रभु जी घर में कथा हो रही है, चलो हम कथा सुनने के लिए जाएंगे। अगर किसकी मन में इतनी सी इच्छा हो जाए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इतना इच्छा मात्र से ही भगवान उसके हृदय में ऐसे अवरुद्ध हो जाते हैं, ऐसे बंद जाते हैं, ठाकुर जी को रास्ता नहीं मिलता है निकलने के लिए, इतने ये कथा की महिमा। इसलिए श्री व्यास देव जी ने जब उन्होंने समस्त ग्रंथों को उन्होंने रचना की, समस्त ग्रंथों को उन्होंने रचना की इधर, लेकिन उनको शांति नहीं मिला। लेकिन शांति कब मिला उनको, जब उन्होंने श्री भागवत ग्रंथों को उन्होंने रचना की, तभी उनको जीवन में ये शांति सुख तभी मिला है। जब कथा सुनते सुनते परीक्षित महाराज सीधा चले गए, कहां वैकुंठ चले गए। अभी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, केवल कथा सुनते सुनते वैकुंठ चले गए। ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में के तरह लाए और एक तरफ में सारे पुण्य को रखा, दूसरे तरफ में भागवत कथा की महिमा को रखा, देखा वो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा। ब्रह्मा जी को पता चला भैया भागवत कथा जैसे पुण्य जगत में कुछ है नहीं, इसलिए कहीं अगर कथा हो, अगर इतनी सी भावना आ जाए भैया कथा सुनने के लिए जाऊंगा नहीं तो जाऊंगी, अगर इतनी सी इच्छा हो जाए
तो जीवन का सारे पाप उसको नष्ट होकर के वो भगवान को पास में चला जाता है। ये भागवत कथा में इतने महिमा भागवत कथा की। इसलिए श्री गोकर्ण जब उन्होंने पिंड देकर के आए, देखा मुक्ति नहीं मिली था उसको। इसलिए आप देखना किसी किसी की पितर दोष रहता है, क्या रहता है, पितर का दोष रहता है। घर में सारे पैसा है, सब कुछ देखना, घर में शांति सुख नहीं, सब बेचैन से घर में अशांति, घर में आनंद नहीं, सुख नहीं, आज ये हो रहा है, कल ये हो रहा है, कल क्यों, वो पितर दोष है। लेकिन ये भागवत कथा की इतने महिमा, जब धुंधकारी किसी तरह से मुक्ति नहीं मिली, जब सूर्य देवता को पूछे भैया मुक्ति कैसे मिलेगी, बोले भागवत कथा से, केवल भागवत कथा से ही मुक्ति मिलेगी। ये कथा से पितर दोष भी खत्म हमारी हो जाती है, घर में शांति सुख हो जाती है। अब जिस घर में तो ये भागवत कथा हो, कर वो घर की इतने महिमा बताए, बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, पृथ्वी का सारे तीर्थ आकर के वही निवास करते, सारे तीर्थ वही निवास करते, इतने ये भागवत कथा की महिमा। आज प्रभु जी ने श्री कृष्ण तथा और संजय प्रभु जी और उनका धर्मपति रूपी माता जी का नाम क्या, अनिता, इन लोगों ने एकदम दिल खोल करके भक्तों को अपना घर में रख करके हर तरह से तन मन और धन से बहुत अच्छे तरह से बड़े प्यार दे करके, बच्चे जैसे बड़े प्यार दे करके इन लोगों ने ये कथा भी बहुत अच्छे तरह से किए हैं। इसलिए हम ठाकुर जी के पास में प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी इन सबको, ठाकुर जी ये सबको शांति और सुख दे और भगवान के चरण में भक्ति हो। देखो और जो हमारे रूबी और इनका परिवार मन में और भी एक इच्छा है, ये चाहते हैं कि घर में गोपाल भी आए, गोपाल मतलब एक घर में एक लाला भी जन्म हो। इसलिए आप लोग सबके सब अपना हृदय से हमारे ये रूबी दीदी को आशीर्वाद दो, हृदय से जैसे इनके घर में भी एक छोटा कोई लाला जैसे जन्म हो, ठीक है ना। आप लोग सबके सब माता ही, आपका आशीर्वाद कोई व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका आशीर्वाद सबके सब फलेगा फलेगा। इसलिए आप लोग हृदय से उसको आशीर्वाद दो, ठीक है, सबका हाथ उठा कर आशीर्वाद दो, जैसे इनके घर में बाल गोपाल आए और घर में शांति सुख और घर में भक्ति जैसे बने रहे, ठीक है, इनको सब आशीर्वाद दो। देखो हरे कृष्ण, ठीक है। अब देखो ये जो कथा है ना हरे कृष्ण, देखो हमारे यहाँ की विशाखा दीदी, इधर आ जा विशाखा दीदी, हमारे यहाँ पर एक दीदी है, ये हमारे गुरु जी की बड़े जो गुरु जी की शिष्य है, जानते हो आज इतना जो भक्त लोग, देखो उसको जो भक्त लोग गले में कंठी माला तिलक पहन रखे, ये दीदी ये मोरी गेट में रहती थी, रहते समय वहाँ पर भी उन्होंने कथा की व्यवस्था की, वहाँ पर भी भक्तों को जुड़े, और जब उसने वहाँ से यहाँ आ गई, फिर उन्होंने यहाँ पर भी अपना घर में उसने भक्तों को बुला करके कीर्तन करवाती, भक्तों को भगवान की कथा सुनाती, सुना करके इसने यहाँ पर कुछ भक्त लोग उन्होंने भक्त बनाया है, ऐसे ऐसे भक्त बनाया जो रोज रोज एक एक लाख हरिनाम करते हैं, एक एक लाख हरिनाम करते हैं ना, इनके प्रभाव से खूब ये स्वयं भजन करती है और सबको घर में भी जाती है, कीर्तन करती है, कथा सुनाती है, अपना घर में भी बुला करके सबको कथा सुनाती है। इसलिए ऐसे करते करते धीरे धीरे ये रूबी दीदी उनकी संस्पर्श से भैया आए, फिर इनसे फिर हमारा साथ में इनकी संबंध बनी है। इसलिए हम चाहते हैं, देखो हम लोग तो चले जाएंगे कुछ दिन बाद में और एक संत आएंगे, तो हमारे विजय पांच छह सात ये तीन दिन तक इनके घर में सत्संग करके, वो अमेरिका में पीएचडी कर रहे थे, लेकिन जब गुरु जी की संगम मिली उन्होंने संत बने, बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं, आप लोग जरूर आना सुनना, ठीक है। और हम चाहते हैं जैसे विशाखा दीदी एक रोज तो कथा करती है, कुछ माताएं रोज आती हैं, अगर आप लोग रोज नहीं आ पाते हैं ना, कम से कम सात दिन एक बार आओ, कहते ना बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। आप जैसे संग करोगे ना, धीरे धीरे आपका रंग भी ऐसे बदलेगा,
रहते भी कैसे बदलेगा। इसलिए आप लोग से प्रार्थना ही जैसे आप लोग आते रहो और आप लोग कथा सुनते रहो। और देखो हम इधर हमारी मन में इच्छा है यहाँ पर भी एक मंदिर हो। आपका सोसाइटी में कहीं मंदिर नहीं, सब कुछ गए, आप लोग बैठ ही गए, लेकिन यहाँ पर कोई भगवान की मंदिर नहीं। इसलिए हम चाहते हैं यहाँ पर एक भगवान की मंदिर हो, जिस मंदिर में हम लोग रोज जाए, सत्संग हो, ठाकुर का दर्शन हो, वहाँ पर राम की जन्म उत्सव, राधा रानी की जन्म उत्सव, कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाए, जिसमें आपके बच्चे लोग जाए, आप लोग जाए, आप लोगों को घर में अच्छे संस्कार पड़े हैं। हम लोग चाहते हैं कि मंदिर भी यहाँ पर हो। इसलिए हमने हमारे भैया को हमने प्रार्थना की है, ये कोशिश कर रहे हैं जैसे यहाँ पर ठाकुर जी के एक मंदिर हो और जैसे यहाँ रोज कथा होती ना वहाँ पर रोज ऐसे सत्संग हो। आप लोग चाहते हो, कौन कौन चाहते हो यहाँ पर मंदिर हो ना। इसलिए आप लोग हर आप कोशिश करना, प्रभु जी को मदद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं जैसे ठाकुर जी की यहाँ से ऐसे मंदिर बने। इसलिए आप लोग भी इसी दिशा का देने के लिए हम भी ताली हो जाए दिशा का देने। कहते हमारे जो रूबी है ना, कहते उनका जो हाँ इनका जो पिता माता जी है राजवीर सिंह और श्री उषा दीदी, कहाँ है उषा दीदी राजवीर सिंह, हाँ ये लोग भी अभी कुछ दिन पहले इनके परिवार के लोग रोज रोज फरीदाबाद से आते हैं। इनका परिवार के लोग वहाँ पर भी भागवत कथा रखवाए थे, वहाँ पर भी बड़े धूमधाम से भागवत कथा की। और ये दोनों आगे भी पूरा सात दिन से यहीं पर है हाँ? और उन्होंने ऐसे बेटी को जन्म दी जो भक्ति में जुड़ी, तो फिर उन्होंने सब भक्त लोगों को उन्होंने बुलाया। इसलिए हम चाहते हैं हमारे प्रभु जी के जितने परिवार के लोग, आप अगर किसी तरह से ये भागवत कथा में एक मांचिस का काठी अगर किसी ने ले लिया, अगर इतना भी नहीं हो, केवल जो भागवत कथा में आकर के बैठ गए भगवान उनका भी भक्ति और उनको भी घर में शांति सुख देते हैं। और ये कथा में सबसे ज्यादा जो महत्व व्यक्ति है यदि जो कथा सुनने की आवाज, अगर मैं आ जाता घर में व्यवस्था भी हो जाते। अगर आप लोग अगर कथा सुनने के लिए नहीं आते हैं ना, फिर क्या कथा हो पाती? अगर परिकृत महाराज नहीं होते सुखदेव गोस्वामी क्या कथा सुना सकते थे? नहीं। इसलिए आप जितने श्रोता लोग आए हो, अपना घर में एसी चलता होगा, किसी कूलर चलता होगा, किसी घर में टीवी चलता होगा, लेकिन आप लोग ने सारे सुख को छोड़ करके आप यहाँ पर सात सात दिन तक दो दो घंटा तीन तीन घंटा कथा सुने हो। इसलिए आप लोगों को सबसे ज्यादा जो महत्व जो श्रोता लोग हैं, इसलिए आप सभी के लिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी आपको भक्ति दे, घर में खूब शांति सुख दे और घर में खूब फैलते फूलते हो। इसलिए आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजाएं, जोर से। हाँ, कहते इन्हीं कथा में हमारे एक रोसैया भैया भी रोज रोज उन्हें रसोई बनाकर खिलाए, और जो माइकी भैया यहाँ पर है ना, बड़े सुंदर उन्होंने माइकी की सेवा की। हम इनके लिए भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी को भी शांति सुख दे, इनके लिए भी ताली बजाएं। और इन कथा में जो हमारे वृंदावन से जो भक्त लोग आए यहाँ पर, जो देखो बड़े प्रभु जी जो क्यासियों बजा रहे हैं ना, ये गोस्वामी बन सके हैं, ये गोस्वामी बन सके, बड़े सुंदर भजन गाए आपको, नचा नचा कि नहीं नचाए आपको। इसलिए और जो हमारे दूसरे भैया मनमोहन प्रभु जी बड़े सुंदर मृदंग बजाए, और हमारा सुधाम्र जी पैर में, इसलिए आप भी इनके लिए जोरदार ताली बजाते हैं। और हमारे श्री जनार्दन प्रभु जी, देखो आप लोग यहाँ जो कथा सुन रहे हैं ना, आपका सारे फोटो, ऐसे कोई देश नहीं जो नहीं जा रही, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, लंदन, वहाँ से मेरे पास में फोन आता है, बोले आप जो कथा कर रहे हैं ना हम घर में बैठे बैठ कर देख रहे हैं, आप लोग जो नाच रहे हो, गा रहे हो, बैठ रहे हो, इसमें पूरा के पूरा ये कथा जा रही है। आप जो बैठे हुए ना, सबके सब बड़े बड़े दूर देश से मेरे पास में फोन आता है, आप सबको वहाँ भी देख रहे हैं। ये भी उन्होंने बड़ी सेवा, हमारे लिए बड़ी सेवा करते हैं, अब इनके लिए भी आप ताली बजाएं, ठीक है। और मैंने भी आपको कथा सुनाया, इसलिए केवल ताली बजा करके इतना ही नहीं, मेरे को अपना हृदय से आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद हो गए, जैसे मैं आप लोगों को सेवा कर पाऊँ, साधु संत की सेवा कर पाऊँ, सबको सेवा कर पाऊँ,
और जैसे जीव सारा जीवन ये साधु रूप में रह करके जैसे हम भगवान की भक्ति कर पाए, हमें गुरु वैष्णव की चरण की भक्ति सेवा मिले, इसलिए आप मेरे को हृदय से ये आशीर्वाद देना। दोगे नहीं? हाथ उठाकर हृदय से आशीर्वाद देना, इसलिए मेरे को आशीर्वाद दो। बोले श्री वृंदावन बिहारी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हमारे श्री यहाँ पर मनोज और कमल यहाँ पर दो व्यक्ति है, उनका दो पत्नी भी इधर बैठी हुई है, वो एक एक लाख हरि नाम करते हैं। इनका परिवार लोग भी बड़ी मदद किए हैं और ये घर को पास में एक परिवार है, हैं? जो परिवार है यदि ये लोग भी एकदम सारा दिन आकर झाड़ू लगाना सफाई करना ये लोग ही बड़ी सेवा की है। अब इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ, ठाकुर उनको भी साथ से दीजिए। ठीक है, अभी कहते प्रेम और श्री क्या ना प्रीति, प्रेम और जो सामने जो रहे जब रहे कि नहीं प्रेम प्रीति का कौन है, इसलिए जो सामने वाले हैं ये एकदम सारा दिन घर में रसोई खाना पीना तीन भर इनका परिवार ये सेवा में लगे हुए, इसलिए हम सभी के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी सबका आशीर्वाद दे और इनकी शांति सुख दे। अभी भगवान कृष्ण रुक्मिणी की शादी होने वाले हैं ठाकुर जी की, अभी एक भजन सुनो, मेरा भाल की भजन सुनो, भाल की भजन वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने सात दिन बड़े अच्छे से यहाँ पे हमें भगवत कथा का पाठ पढ़ाया। तत्पश्चात मैं आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने सात दिन बैठ के यहाँ पे भगवत कथा सुनी और कुछ ना कुछ अपने जीवन में अच्छा करने का पढ़ा। आज के समय में जैसा कि महाराज ने बताया कि जो जितना मनुष्य धर्म के कार्य जुड़ेगा उतना ही वो प्रभु को अपने करने पाएगा। जब प्रभु आपके जीवन में होंगे तो आपको किसी तरह की कोई चिंता किसी तरह का भय इस तरह की अशांति आपके जीवन में आई है। एक भक्त ने एक भजन के माध्यम से कहा भी है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। तो इस भजन के माध्यम से ये बताया गया है कि जब भगवान आपके जीवन में परिवेश कर जाते हैं तो आपका जीवन आनंद में हो जाता है। असली आनंद जो है वो जीवन को जीने का ये है। आज के समय में हमारे जो बच्चे हैं वो संस्कार भी होते जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम उन्हें धर्म से नहीं जोड़ पा रहे हैं, हम उन्हें हरिनाम से नहीं जोड़ पा रहे हैं। जब तक हम उन्हें हरिनाम से नहीं जोड़ेंगे तब तक उनके अंदर संस्कार नहीं आ सकते। हम उन्हें पिक्चर दिखाने ले जाते हैं, हम उन्हें और पार्टियों ले जाते हैं, लेकिन हमारी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम कम से कम उन्हें हरिनाम से जोड़ें, कहीं कथा में ले जाएँ, कहीं घर में ले जाएँ, कहीं भी ले जाएँ। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजककर्ता मेरे माता पिता, मेरी पत्नी गुरदीप सिंह, जिनके अफट से ये कार्यक्रम बड़े आसानी साथ हो मतलब हो पाया। और पिछले एक साल लास्ट ईयर जब महाराज जी आए थे स्माइल स्कूल के अंदर तभी से एक साल से उन्होंने रट लगा रखी थी कि भगवत कथा का आयोजन करना है। लास्ट टाइम जब महाराज जी होली समारोह में जब आए थे यहाँ पे होली के लिए तब हमने उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने फिर समय दिया, तो फरीदाबाद में भागवत कथा हुई और फिर गिडनडा में भी भागवत कथा का आयोजन हुआ। तो मैं उनके इस प्रयास के लिए उनको बहुत बधाई देता हूँ और आगे भी उनसे यही उम्मीद करता हूँ कि वो इस प्रयास को जारी रखें जिससे कि यहाँ पे और भागवत कथा का आयोजन हो सके। इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत बहन विशाखा जी, जो पिछले दो साल से मैं उनको यहाँ देख रहा हूँ कि वो हरिनाम कीर्तन को आगे बढ़ाए हुए हैं, भगवत कथा कर कराती हैं यहाँ पे और लोगों को जोड़ती हैं, तो उनका बहुत बड़ा फर्ट है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको बहुत बधाई देता हूँ। अरे हमारे कमल प्रभु और वृंदा देवी ये लोग बहुत उच्चे लिखे पड़े हैं,
हर सप्ताह में एक बार आकर के वो भगवत कथा करते हैं हर सप्ताह में। इसलिए आप लोग से प्रार्थना है आप लोग आकर के जरूर आप भी आए और अपना बच्चों को मिलाओ। इसलिए हम यहाँ पर जो एक मंदिर कोशिश कर रहे एक मंदिर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मंदिर बनेगा ना हमारे मंदिर में बहुत अच्छे अच्छे लड़के लोग हैं। देखो ये जो जो बच्चा बैठा हुआ है उन्होंने एमकॉम किया हुआ है। वो जो मृदंग बजा रहा है वो बक्सर बक्सिंग सीख रहा था नोएडा का और वो भी अच्छा लिखा बड़ा है उसने बहुत। और हमारे मंदिर में कोई भी एम ए बी ए से किए हुए अच्छे अच्छे लड़के लोग हैं जो कॉलेज में जा कर के बच्चों को कॉलेज में बच्चों को अच्छे अच्छी शिक्षा देते हैं। वहाँ पर बड़ी सुंदर प्रोजेक्ट को साथ में सर्च फॉर हैप्पीनेस डज नॉट एग्जिस्ट हुआ माई सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड ये सब सब्जेक्ट ऊपर में प्रोजेक्ट के माध्यम से सब कॉलेज बच्चों को शिक्षा देते हैं। अगर यहाँ मंदिर होगा ना हम भी कहीं कोशिश करेंगे। अभी जो यंग जनरेशन है वो बहुत गलत रास्ता पर जा रहे हैं। टीवी स्मार्टफोन और इंटरनेट में ही डूब गए और पिता माता को आदर देना पिता माता का चरना छूना इनकी बात सुनना धीरे 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 भूलते जा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि बच्चों को सुधरे घर में भगवान की भक्ति सबके सब करे और जीवन में शांति सुखवाए। हमारे केवल यही उद्देश्य हमारे कोई उद्देश्य नहीं आपसे कुछ लेना उद्देश्य नहीं हमको देना हमारे उद्देश्य है आपका घर में शांति सुख हो। इसलिए आप लोग कोशिश करना ये इन भैया को मैंने दायित्व देकर के जा रहा हूँ जैसे यहाँ पर कोई मंदिर जैसे बने ये कोशिश करेंगे। अगर कोई कोई विशेष जरूरत होगा आप लोग कोशिश करना प्रभु को पीछे थोड़ी सी सपोर्ट करने के लिए ठीक है ना। जैसे यहाँ पर जल्दी से जल्दी भगवान की कोई मंदिर बन जाए। अंत में मैं महाराज जी से यही प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि हम पैसे बनाए रखें जिससे कि आगे भी हम भगवत कथा का आयोजन सेक्टर के अंदर करते रहें और जाने जाने में कुछ हमसे कुछ भूल हुई हो उनकी मैं तो हमें कृपा माफ करने की कोशिश करें। जय जय श्री राम। आप लोगों की जयकार में आनंद नहीं आ रहा एक जोर से जयकार लगाइए। वृंदावन हरी बात की जय जय श्री राम। वो मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने किस किस ने कन्हैया से प्यार किया है हाथ उठा के बताएं। लगभग सब लोग किया है तो प्यार किया तो निभाना किया ना तो सभी लोग नाच सकते थे भय इस भजन में आनंद लेंगे। वो मेरी लगी श्याम संग ये दुनिया क्या जाने Yeah.
Thank you.
सभी लोग बैठ गया है, कृपया सभी लोग बैठ गया है। हरपाल सिंह रोजी आ गया, आप सबके साथ बैठ जाओ। अभी रुक्मिणी की विवाह हुई, रुक्मिणी की शादी हुई और विशाखा भरत की पति क्या क्या इतना गंभीर आया विशाखा रुक्मिणी प्रभु जी इधर आ जाओ। विशाखा दीदी की पति बनी इधर आ जाओ। हाँ एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे देखो ये जो प्रभु जी है ना, इधर देखो ये जो विशाखा दीदी है, इनके ये पति देव है और उनका ससुर जी वहां पर बैठे हुए। क्या नाम ससुर जी के? सुरेश प्रभु जी। इनके जो बहू है ना वो विशाखा दीदी है। इन लोगों ने हर तरह से ये सपोर्ट करते हैं विशाखा दीदी को, तब भी ये विशाखा दीदी घर घर में जा करके ये कीर्तन और कथा करती है, तब भी करती है। अगर ये सपोर्ट नहीं करते तो कहाँ स्त्री लोग कर सकती है। इसलिए आप इनके लिए इनके पति और ससुर के लिए बहुत आभार। एक बार आप सब लोग मिलकर के बोलेंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की। तो आज जो आप करीब 3 घंटे से भागवत का आनंद ले रहे हैं और पिछले 1 सप्ताह से ले रहे हैं, मैं इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं भाई संजय प्रताप सिंह जी, और इनसे अधिक मुबारकबाद देना चाहता हूं इनके पिता ठाकुर कृष्ण प्रताप सिंह जी को और उनकी माता जी को। क्योंकि आज के जमाने में जो आदमी सब तरह से संपन्न है, परमात्मा ने जिसे सब कुछ बख्शा हुआ है, अगर उसका ध्यान भी परमात्मा की भक्ति में है और वो भी भागवत जैसा प्रोग्राम करा रहा है, तो इसका श्रेय संजय प्रताप सिंह जी से ज्यादा उनके माता पिता को जाता है, क्योंकि ये उनके द्वारा दिए हुए संस्कारों का परिणाम है। तो इसलिए एक बार जोर से कहा, वैसे तो हमारी भारत की संस्कृति में ये बात हम सब लोगों के हृदय में है कि परमात्मा की भक्ति से ही हम सुखी हो सकते हैं। पंडित जी ने भी इस बात पे बहुत जोर दिया है, समझाया है कि हम केवल उसी से कुछ छूट पा सकते हैं, उसकी दया से दुखों से बच सकते हैं। और इसी बात को लेकर के मैं आपके सामने एक छोटा सा भक्ति गीत दे रहा हूँ, जिसमें ये बताया गया है कि ये इंसानी जामा कितना महत्वपूर्ण है और हम इसका लाभ उठा करके किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं और किस प्रकार इस इंसानी जामे को हम सार्थक बना सकते हैं। तो पहले मैं अपने बैंड वालों से